की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता सेनानी हमारे, स्वतंत्रता सेनानी हमारे, स्वतंत्रता सेनानी हमारे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 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 हमारे। पंजाब सिंध गुजरात जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के द्वारा पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी व शहीदों की याद में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मेरी माटी मेरा देश प्रत्येक माह का प्रथम रविवार प्रातः 10:10 अपने पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी व शहीदों की याद में प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि यशस्वी विधायक गुरुग्राम सुधीर सिंगला ने स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की श्रद्धांजलि दी तथा तिरंगा झंडा फहराया व राष्ट्रगान का गायन किया गया और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। विधायक जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की शहादत की वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम के अनुरोध पे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी व दाखिलों में जो 2% आरक्षण दिया गया है उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को लाभ नहीं मिल रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि कोऑर्डिनेट कमेटी के सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर से मिलकर समस्या का समाधान करवाएंगे ताकि स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को लाभ मिल सके। समिति ने 1971 के सूबेदार पार्थ शर्मा की वीरांगना धनवंती देवी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। नहीं मिला था तो की सरकार ने करके उनको उस 2% को दिलाने की जो बात थी वो आज हमने करी थी कि भाई वो तुम सारे यहाँ आ जाओ और हम तुम्हारी सरकार दिलाएंगे। उसके लिए हमारी प्लानिंग थी कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। मैं समरजीत सिंह हूँ, गुड़गांव से स्वतंत्रता सेनानी INA उत्तराधिकारी समिति का स्पोक्स पर्सन हूँ। अभी प्रोग्राम आयोजन हुआ जिसमें काफी जगह से अलग अलग लोग उपस्थित हुए, तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये प्रोग्राम को आगे सफल किया गया? जी, हमारा जो प्रोग्राम था ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पूर्वजों ने जो है कुर्बानी दी है देश की आज़ादी में, वो सरकारों द्वारा 2% आरक्षण दिया गया था। बाकी ये 2013 में पूर्व हुड्डा सरकार ने उसमें सारा खिचड़ी मिला के एक कर दिया और उसमें से कुछ नहीं छोड़ा हमारे बच्चों के लिए। तो उसमें जो है क्लियरली जो है वो चीज़ हमें 2% आरक्षण के CM साहब से मांग के लिए हमने आज ये जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया और प्रदेश भर से लोगों को आमंत्रित किया। कई जगह, कितने जगह से आए यहाँ पे और उनको क्या क्या दायित्व दिया गया? 10 जिलों से आए हैं लोग यहाँ से, भिवानी, दादरी, रिवाड़ी, श्री भगवान फोगाट जी रिवाड़ी से हैं, भिवानी से देवेंद्र शोरान जी थे, मान साहब आए थे, एक अपने अवतार सिंह भामू जी भिवानी से आए थे। तो ये हम कई जगह से हमने बुलाया था लोगों को
और ये मेन इसलिए बुलाया था कि आज हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने जा रहे थे, जो कि हमने बनाई भी है। वो ये थी कि हमारे जो पोते और पोतियों को, जो स्वतंत्र सेनानियों के पोते और पोतियों को, देवते देवतियों को जो 2% का आरक्षण है नौकरियों में, वो नहीं मिल रहा है। उन्होंने बच्चों ने काफ़ी वो किया है, टेलीफोनों पर भी बात हुई है कि उनको कोई वो आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। तो उसको आरक्षण को दिलाने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई थी हमने, इस मामले में जो बैठक हुई थी, इसमें एक हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, जो कि आपको लिस्ट दे देंगे हम। तो ये है कि हम हरियाणा सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों के जो उत्तराधिकारी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको वो 2% का रिजर्वेशन सरकार दे। उसके लिए हम सीएम साहब से और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे को दिया जाए। दलाल सर, आज जो कि आपने भव्य रूप से प्रोग्राम आपने आयोजन किया, जो कि काफ़ी जगह से, अलग अलग जगह से, क्या प्रोग्राम है सर, उसके बारे में सर बताएं। सर, ये हमारा स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को याद करने के लिए पूरा भारत में प्रोग्राम चला हुआ है। जितनी भी समितियां, जितनी भी फ्रीडम फाइटर के एसोसिएशन हैं, सभी हर महीने के पहला एतवार 10 बजे 10 मिनट अपने पूर्वज स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 20 प्रांतों में चालू है और हर व्यक्ति को आमंत्रित ना करना पड़े, इसके एक निश्चित समय हर महीने का पहला एतवार 10 बजे 10 मिनट के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें हम चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे साथ हो, ताकि हम अपने पूर्वजों को, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को पूरा मान सम्मान दे सकें और भावी पीढ़ी में संदेश दे सकें कि भी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिला है और वो स्वतंत्रता सेनानी उस अधिकार के अंदर आते हैं जिसमें से उन्होंने देश को आज़ाद कराया है। इसलिए हम उनको आज़ाद भारत में ही उनको याद रखना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे और भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना भी जागृत हो और नए बच्चे भी इसके साथ जुड़ेंगे तो वो उनको याद करेंगे और उनका सम्मान बरकरार रहेगा।